बहुत सारे पति पत्नी का ये सवाल रहता है कि अगर प्रेगनेंसी शुरू हो गई है तो हम शारीरिक संबंध कब बनाएं। इसको आप दो तरीकों से मैनेज कर सकते हैं तो आपको किसी तरीके की समस्या नहीं होगी, बट फिर भी आपको अपने डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ही चलना है, बिकॉज अलग अलग पेशेंट्स की अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं और उसमें कुछ अलग चीज़ों का भी ध्यान देना होता है। तो वेल, अगर नॉर्मल तरीके से हम देखें तो इसमें आपको दो तरीकों का ध्यान रखना है, और उसमें पहला ये है कि आपकी पोजीशन कैसी है, किस तरीके से आप मिल रहे हैं, और दूसरा ये कि आपको हमेशा अपने पैशन को कंट्रोल करके रखना है। जो हमारा शुरू के जो 3 महीने होते हैं उनमें आपको ध्यान रखना है कि पैशन को कंट्रोल करते हुए, किसी भी तरीके का जोर ना लगाते हुए आपको आराम से फिजिकल कांटेक्ट को बनाना है, और ख़ास तौर पर ध्यान रखना है कि वो ज़्यादा डीप नहीं होने चाहिए जिससे कि गर्भाशय की वॉल पर कोई चोट ना लगे और कोई नुकसान ना हो। दूसरा, फिर आगे की जो मंथ शुरू होते हैं फिर उसमें गर्भाशय का साइज बढ़ने लगता है, बेबी बड़ा होने लगता है तो गर्भाशय का साइज भी बड़ा होने लगता है, और फिर वहां से आपको ये ध्यान देना है कि आपको अपनी पोजीशन को चेंज करना है, जिसमें जैसे हम लेट कर आपस में अपने जीवन साथी से बात करते हैं लेट कर, उस पोजीशन में आप शारीरिक संबंध अगर बनाते हैं और उसमें ये ध्यान रखते हैं कि वो कॉन्टैक्ट डीप नहीं होने चाहिए तो किसी तरीके की समस्या नहीं होगी। हमेशा ध्यान रखिए कि प्रेगनेंसी में आपके जो कॉन्टैक्ट है वो बहुत रिलैक्सफुल होने चाहिए, आराम से होने चाहिए, और उसमें डीप कॉन्टैक्ट नहीं होने चाहिए तो समस्याएं नहीं होती हैं। वेल, पैशन और पोजीशन दोनों को आप कंट्रोल रखें तो किसी भी तरीके की समस्या नहीं होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करके हमें फीडबैक जरूर दें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।